था, एक नगाड़ा बजा करके कहते थे, होशियार सावधान, राजा का फरमान है, आज के बाद ये नहीं होगा। तो वो राजशाही की तरफ, तानाशाही की तरफ ये मोदी इस देश को लेके जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। संसद के अंदर गरिमाई भाषाओं का यानी कि शब्दों का इस्तेमाल तो आपको करना ही है, लेकिन अब एक बात और जहां पर जुड़ गई है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि संसद में आप किसी तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते हैं और यहां तक कि उपवास भी नहीं किया जा सकता है। यानी कि परिवर्तन की जो सीमाएं हैं इस वक्त कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है, लेकिन इन पर बातचीत करेंगे। अभी बातचीत के लिए हमारे साथ में यहाँ पर हरिंदर ताव मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा कि कहा गया कि संसद में जो भाषा है उसका इस्तेमाल गरिमा के साथ करना है। अब साथ में ये कहा जा रहा है कि संसद के अंदर किसी भी तरह की कोई हड़ताल नहीं कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने एक पुरानी फिल्में देखी होंगी, जैसे पुरानी फिल्मों में एक राजा का आदेश आता था, एक नगाड़ा बजा करके कहते थे, होशियार सावधान, राजा का फरमान है, आज के बाद ये नहीं होगा। तो वो राजशाही की तरफ, तानाशाही की तरफ ये मोदी इस देश को लेकर जा रहा है। संसद के अंदर गरिमामय शब्द कह रहे हो, अगर भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, बलात्कारी को बलात्कारी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, झूठे को झूठा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, जुमलेबाज को जुमलाबाज नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, क्या एक चोर को कहेंगे कि एक व्यक्ति आया आकर के हमारे मंदिर के दान पत्र के पैसे भगवान जी को मत्था टेक कर प्रसाद समझ के ले गया, ये शब्द बोलेंगे हम? देखिए, आप भ्रष्टाचारी को क्या कहोगे शब्द बता दो मुझे, चोर को क्या कहोगे, जो जुमला देते हो उसे क्या कहोगे, झूठे को झूठा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, जयचंद को जयचंद नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? तो असंसदीय क्या है, उससे हटा दिया जाएगा। उस भाषा को लाइव में तो कोई देख सकता है, कोई चैनल अखबार उसको बोल करके या उसे चला नहीं सकता, तो ये बैन ही तो है और क्या। तो सरकार को क्या चाहिए इस वक्त की, अगर जिन शब्दों को बोला गया है कि इस्तेमाल नहीं करना है तो उनके अलावा ऐसे कौन से शब्द जो है जो बचते हैं जो सांसद सरकार बताए ना। जब मैं कह रहा हूँ कि इस व्यक्ति पे बैन लगा दिया तो ये बताए कि यहाँ कौन सा व्यक्ति आएगा दूसरा, वो बता दो। तो जब ये शब्द बैन किए हैं, इन शब्दों की जगह कौन सा शब्द बोलेगा सांसद, वो सरकार बताए। तो सांसद की बात करें या विपक्ष की बात करें, वो लगातार इसको अपने ऊपर ही लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कानून तो दोनों के ऊपर है ना, तो किसी सत्ता विशेष के ऊपर है ना ही विपक्ष के ऊपर है, तो तकलीफ विरोध विपक्ष के अंदर ही क्यों देखा जा रहा है? जनता की आवाज विपक्षी तो उठाता है, सरकार थोड़ा ही उठाती है। भ्रष्टाचार विपक्ष थोड़ा ही करता है, सरकार करती है। तो भ्रष्टाचारी सरकार होगी ना, जुमलेबाज सरकार होगी। मैं तो खाली हूं, मैं कैसे कर दूंगा, ना मैं किसी को नौकरी दे सकता, ना मैं किसी का कोई और भला कर सकता, तो मैं तो खाली हूं, मैं तो जुमलेबाज हो नहीं सकता, मैं तो चोर हो नहीं सकता। चोर होगा कौन, जो मंत्री बना बैठा है, जो नेता है, वही तो चोर होंगे। तो शब्दों को खत्म कर दिया गया तो उसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र के लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे आप? अब लोकतंत्र है कहां? अगर लोकतंत्र होता तो ये सड़कों पे बच्चे बैठे हैं, इतने जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही? तभी तो कहते हैं कि गूंगी बहरी सरकार है। तो संसद के अंदर भी मनाई कर दी गई है कि अब कोई उपवास नहीं किया जा सकता, हड़ताल नहीं की जा सकती। देखिए, धन्यवाद मोदी जी, आज कह दूंगा डरे। 1988 में भारतीय किसान यूनियन ने एक आंदोलन किया था जहां आज मोदी का सेंट्रल विस्टा बन रहा है। 7 दिन आंदोलन चला था, उस आंदोलन के बाद वहां बैन लगा दिया था कि यहां आज के बाद कोई आंदोलन नहीं होगा, जहां आप खड़े हो ये उसके बाद जगह दी गई थी। इससे भी सरकारें डरी कि यहां सिर्फ शाम को 4-5 बजे तक ही आंदोलन होगा, और अब संसद में भी आंदोलन नहीं होगा। अब जब उनकी बात सुनी नहीं जाएगी तो वे उपवास करेंगे, हड़ताल करेंगे, वॉकआउट करेंगे, सब काम करेंगे, उस पर भी बैन लगा दिया। तो इसे ही देश में तानाशाह कहते हैं।
लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र के खिलाफ हम लोग या फिर लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है चाहे मुझे निलंबित क्यों ना होना पड़ जाए, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र बचाने के लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा। लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है और ये बीजेपी और आरएसएस मिल करके देश को तानाशाह की तरफ ले जा रहे हैं और इस तानाशाह से बचाना पड़ेगा देश को, तो सबको अपने मतभेद भूल के एक साथ आना पड़ेगा। तो संसद में गरिमा का जब बात की जा रही है तो विरोध किस बात का है? गरिमाई में तो देखा जाता है संसद, लोकतंत्र का एक पंचायत माना जाता है संसद को। कौन कह रहा है? वो लोकतंत्र की पंचायत है जहाँ अपनी बात रखने की भी आजादी ना हो, उसे तुम लोकतंत्र कैसे कह दोगे? वो तो तानाशाह का पंचायत बन गई भाई। जब आप हमारे बोलने की भी आजादी पे, जनता की आवाज उठाने पे भी आपने सांसदों पे बैन लगा दिया, तो फिर बचा कहाँ लोकतंत्र?